सड़कों पर पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की गाड़ियां जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें झज्जर की हैं, जहां देर शाम उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब यहां के रिहायशी क्षेत्र में चल रही कत्था फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। घटना करीब 9:30 to 10 के बीच की बताई जा रही है। गैस के रिसाव से जहां फैक्ट्री के कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई, वहीं आस पड़ोस में भी लोगों के अंदर घुटन शुरू हो गई। अफरा तफरी के माहौल के बीच मामले की सूचना जिला प्रशासन के पास पहुंची। सूचना मिलते ही जिला अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास व DSP राहुल देव शर्मा के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कुछ एक घंटे पहले मैसेज मिला था कि यहाँ अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो रहा है, तो उसी टाइम पे हमारे DSP राहुल देव जी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने जो पता रहा है कि गैस रिसाव वो पाइप बंद वो तो कर दिया है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि जो भी पाइप में गैस है वो तो अंदर है, वो तो धीरे धीरे रिसाव तो करेगी करेंगे और एहतियात के तौर पर पानी का छिड़काव कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड 3-4 आ चुकी हैं, 3 एम्बुलेंस आ चुकी हैं, प्रवास जितने भी आबादी हैं सभी आबादी वासियों को लोकल रेजिडेंट के माध्यम से और हमारे राइडर के माध्यम से माइक के माध्यम से सबको कहा है भाई थोड़ा दूर रहें और मास्क लगाएं और पंखा वगैरह नहीं चलाएं ताकि किसी प्रकार के कहीं कोई किसी भी कोई दिक्कत रहता है तो तुरंत हमें सूचना दें। हमने एम्बुलेंस भी मंगा रखी है ताकि मौके पे किसी कोई सिचुएशन हो तो निपटा जा सके। मेरे आप लोगों के माध्यम से अपील है कि यहाँ के लोकल रेजिडेंटों भाई जो भी एहतियात हैं उनमें पूरी तरह पालना करें और प्रशासन का सहयोग करें। सर शहर के बीच देखो अभी तो लोकल रेजिडेंट हमें भी पता नहीं था, लोकल रेजिडेंट बताया पूरा, तो जैसे ही लोकल रेजिडेंट जो भी कर शिकायत देंगे तो जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होते हैं वो कार्रवाई अमल। कत्था फैक्ट्री के स्टाफ को भी बाहर निकाला गया और उसके पास पड़ोस के कुछ इलाकों को पूरी तरह खाली करा लिया गया। फैक्ट्री वाले क्षेत्र से दूर जाने को समझाया गया ताकि जान माल का कोई नुकसान ना हो सके। लोगों के बीच मुनादी करवाई गई। वातावरण में फैल चुकी गैस को दबाने के लिए दमकल विभाग की मदद से पानी का छिड़काव कराया गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरा इलाका खाली करा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़।